फजले खुदा से पूछ फातेह मैदान कौन है, नामुसे मुस्तफ़ा का निगहबान कौन है, दीने मोहम्मदी के मुखालिफिन से पूछ लो, वो खुद तुम्हें बताएंगे कि सलमान कौन है। मौजूद सामने कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। उम्मीद है कि आप अहबाब खैरियत से होंगे। सारे लोगों के लिए पैगाम, बहुत अहम पैगाम है। आज शब मेराज है, इस दिन अल्लाह के नबी मेराज पे तशरीफ़ ले गए और 5 वक्त की नमाज़ें तोहफे में बस अगले तोहफा ले आए। तो मेरे नबी गए और आए, किसी शायर ने कहा था, जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो अम्मे हानी का घर बोलता रहा, आए गए शरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। और आज शबे मेराज है और तमाम लोगों के लिए एक पैगाम है, अहम पैगाम है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, काफ़ी दिनों से कुछ लोग ऐसे नहा धो के पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि मुफ्ती साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम के लिए आन बान शान व शौकत के साथ हर एक मुखालिफीन का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और अहम पैगाम सारे लोगों के लिए कि आज मुफ्ती साहब शबे मेराज अल्लाह के नबी मेराज पे गए थे, तशरीफ़ ले आए, तो मेरे नबी का सदका और मेरे नबी का फैज़ान से मेरे नबी के फैज़ान से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो चुके हैं। ये आप लोगों के लिए भी खुशनसीबी की बात है और सारे लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक़ में दुआ फरमाएं। और कहना यही है प्यारे, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल घर को ही आग लग गई है घर के चिराग से। और यकीनन आज जो हालात है, हम आह करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल करके चले जाते हैं, चर्चा नहीं होता है। यकीनन इस मिसरे पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हालात बहुत ज़्यादा नासाज हैं। तमाम लोगों की बारगाह में बस यही इल्तिमास गुजारिश है कि आप लोग बस मुसलमानों की हिफाजत खुद करें और आज जो देख रहे हैं कम से कम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। शबे मेराज हैं, रब की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा पढ़ें और गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी मांगें। यकीनन तौबा पढ़ना आपका काम है, तमाम गुनाहों से पाक व शफाफ करना रब का काम है। आज शबे मेराज है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दस दिन है, इसी दिन आप सिद्ध के दिल से रब की बारगाह में तौबा पढ़ें। और अहम पैगाम, आखिरी पैगाम है आप तमाम भाइयों के लिए कि आप आवाज़ उठाएं और बुलंद करें, और कहीं और इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम अपने गांव के, अपने इलाके के मस्जिद को आप जब तक नहीं भरोगे तो हर मस्जिद बाबरी मस्जिद बनता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए प्यारे, आप कम से कम अपनी मस्जिदों को सजदों से सजा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मुझे कामयाबी मिलेगी। वरना मुसलमानों का दौर आपने सुना होगा, सारे सारे मुसलमानों का हालात, पहले के मुसलमान वो थे, दक्काक थे, चट्टान थे, कहीं भी चलते थे, कहीं भी बोलते थे, हक गोई बोलते थे। अब मुसलमानों के अंदर वो मामलाते नहीं रह गया है। इसीलिए पहले के मुसलमान वो थे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अहम पैगाम आप लोगों के नाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।